हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल स्टडी के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही 5500 प्लस क्वेश्चन का अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। कैडमियम बोरेट नामक प्रतिदीप्त पदार्थ ने किस रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जाता है? गुलाबी प्रकाश। वैदिक साहित्य की आधारभूत इकाई कौन सी थी? कुल। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम की रचना किसकी है? सरोजा वैद्यनाथन। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? गोलकुंडा तट। आम की संकर प्रजाति H39 किन दो प्रजातियों का क्रॉस है? आम्रपालियम वनराज का। राष्ट्रीय कर्शियम ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। उत्तर वैदिक काल में पूर्वी दिशा के राजा को क्या कहा जाता था? सम्राट। बैक टू वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? बिल क्लिंटन। केरोसिन किसके प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम के। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951 में। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहा जाता है? पार्थिनोग्राफी। किसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? बाबर को। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? यू थॉट। भारत में जैव विविधता के कौन से समृद्ध स्थल हैं? पूर्वी हिमालय, पश्चिम हिमालय। रणजीत सिंह अपने आप को किसका सेवक मानता था? खालसा का। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब प्रारंभ की? अप्रैल 2005 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 में। मिस इंडिया प्रतियोगिता किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1994 में। घड़ी की सुइयों पर रात में चमकते हुए किस पदार्थ का लेप चढ़ा जाता है? फास्फोरस पदार्थ का। पांडुचेरी के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। सीएनजी का मुख्य अवयव कौन सा है? मिथेन। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? राणा सांगा को। किसे यूनिवर्स मिस यूनिवर्स को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 21,05,000 डॉलर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला। कुटीर ज्योति कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1989 से 1989 में। अकबर ने सर्वप्रथम किस राजदूत वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? कछवाहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? सर्वश्रेष्ठ विद्यालय को।